ये लोग लॉकडाउन में तफरी कर रहे थे, घरों से बाहर निकलकर टहल रहे थे, लेकिन आगरमालवा पुलिस ने इनको पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही उठक बैठक कराने लगी। पुलिस ने ये कार्रवाई कई जगहों पर की और पकड़े गए लोगों को बेवजह न घूमने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लॉकडाउन के पालन के संबंध में लोगों को समझाइश दी जा रही है। लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कुछ सख्ती भी की जा रही है ताकि संक्रमण न फैले और जनता सुरक्षित रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली बैतूल में भी। यहाँ भी डिप्टी रेंजर ने सब्जी बेच रहे एक बुजुर्ग से उठक बैठक करा दी। डिप्टी रेंजर की माने तो बुजुर्ग ने निर्धारित वक्त से ज्यादा समय तक अपनी दुकान खोले रखी थी, लिहाजा उसे उठक बैठक की सजा दी गई। कार्रवाई ये की थी, उनको पहले भी 3 दिन से समझा रहे थे। उनका समय सुबह 7 से 10 बजे तक के, 11 बजे तक के, पर तो रोज दिन आए दिन रोड पे दुकान लगाना, घूम के सब्जी बेचना, और उसके बाद में बार बार समझाने के बाद में नहीं माने तो कल शाम को उनको थोड़ा सा उठपैठ लगाई और उनको हिदायत दी थी कि आज के बाद में तुम लोग इस समय में दुकान नहीं लगाओगे और घूमेंगे। सर, एक उसमें बुजुर्ग था, उसको भी उठक बैठक लगवाई थी। कौन थे? नहीं, वो तो जो भी सब्जी वाला था वो तो लगाई थी, उसको कोई दो मत नहीं थे, क्योंकि उनको 3-3, 4-4 बार समझाने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था उनको। और उसका वही प्रोसेस था, नहीं तो फिर क्या है ना कि नगर पालिका साथ में थी, अधिकारी लोग साथ में थे, वही कार्रवाई करते। पर हमने कहा चलो, बुजुर्ग लोग नहीं था, वो एक दादा भैया था और एक लड़का इधर रोड के ऊपर था। हमने उसको तत्काल तो छोड़ दिया। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में पुलिस वाले लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं और उन्हें उठक बैठक जैसी सजा देकर समझा रहे हैं। प्रमोद कारपेंटर के साथ राजेश भाटिया की रिपोर्ट।